जय श्री राधे। इस बार 27 नवंबर 2023 को कार्तिक पूर्णिमा है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन लोग गंगा जी में स्नान करते हैं, दान करते हैं और दीप जलाते हैं, इसलिए इसे गंगा स्नान भी कहा गया है। इस दिन को देव दीपावली भी कहा जाता है। इस दिन किसी पवित्र नदी, नहर, तालाब के आगे दीपक जलाए जाते हैं। आप देव स्थानों में या मंदिरों में भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, इसलिए इसे देव दीपावली कहा जाता है। कार्तिक पूर्णमासी के दिन कुछ खास उपाय करने से आपके विवाह में आ रही बाधाएं भी दूर हो सकती हैं। तो चलिए हम आपको कुछ उपाय बताते हैं जिससे आपके विवाह में आ रही बाधा दूर हो सकती है। दीपदान। किसी व्यक्ति के विवाह में लगातार अड़चने आ रही हैं, जैसे शादी तय हो जाने के बाद मुहूर्त न मिलना, किसी कारणवश सगाई टूट जाना, तो ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा के दिन अपने घर के आसपास के किसी तालाब या नदी में जाकर दीपदान करना चाहिए। इसके अलावा घर के मुख्य स्थानों पर भी दीप प्रज्वलित करना चाहिए। ऐसा करने से जल्द ही आपकी शादी के योग बनेंगे। तुलसी पूजन। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी का पूजन जरूर करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि तुलसी में सभी देवी देवता विराजते हैं, इसलिए तुलसी के पूजन करने से सभी देवी देवताओं का पूजन हो जाता है और शादी के योग बनने लगते हैं। साथ ही तुलसी को माता लक्ष्मी का रूप माना गया है, तो इसके पूजन से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। गंगा जल से करें स्नान। यदि आपके विवाह में लगातार अड़चने आ रही हैं, तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान करते समय पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें जरूर डालें। इस उपाय से विवाह में आ रही अड़चने खत्म हो जाएंगी। हल्दी का तिलक। कार्तिक पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को हल्दी चढ़ानी चाहिए और इस दिन हल्दी का तिलक अपने माथे पर लगाना चाहिए। ऐसा करने से भाग्योदय होता है, साथ ही विवाह के योग बनने लग जाते हैं। तो यह कुछ खास उपाय थे जो कि आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं और अपने विवाह में आ रही बाधाओं को दूर कर सकते हैं। जय श्री राधे। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय श्री राधे।